नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बंगाली स्पाइस बॉक्स में। आज मैं बनाऊंगी स्टफ्ड पॉमफ्रिट। स्टफ्ड पॉमफ्रिट बनाने के लिए लगेगा पॉमफ्रिट मछली, व्हाइट ऑयल, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, कटे हुए अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च के दाने, शक्कर, धनिया, विनेगर, इमली का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और कसा हुआ नारियल। पॉमफ्रिट मछलियों को मैंने अच्छे से साफ करके नमक और हल्दी लगाकर रखा हुआ है। अब इस कटोरी में एक एक करके एक टीस्पून जीरा, एक इंच अदरक छोटे टुकड़ों में काटे हुए, लहसुन के 8 क्लॉव्स, दालचीनी 2-3 पीसेस एक इंच करके, 5-6 लौंग, 10-12 काली मिर्च के दाने, 1.5 टीस्पून धनिया, 2 टेबल चम्मच विनेगर, हाफ टेबल चम्मच इमली का पेस्ट, हाफ नारियल मैंने ग्रेट करके रखा है, मैं पूरा ही यूज कर रही हूँ, एक टीस्पून व्हाइट ऑयल, इसके अलावा पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, विनेगर और इमली का पेस्ट दोनों ही दिया है इसीलिए थोड़ा सा शक्कर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। इन सारी सामग्रियों को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। अब मात्रा अनुसार पानी डालकर मिक्सर में इसका पेस्ट बना लूंगी। मैंने यहाँ पर पेस्ट बना रखा है। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लूंगी। तेल गरम हो रहा है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं पॉमफ्रिट मछलियों के अंदर स्टफिंग भर दूंगी। पॉमफ्रिट मछलियों को छुरी से मैंने ऐसे काट लिया था। इसके अंदर इस पेस्ट को भर दूंगी। पॉमफ्रिट के अंदर मसाले भर चुके हैं, तेल भी गर्म हो चुका है। अब मछलियों को मैं एक एक करके फ्राई कर लूंगी। जो साइड कटा हुआ था उस साइड को मैं तेल में डालूंगी। मछलियां फ्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। तैयार है स्टफ पॉमफ्रिट।